हरियाणा सरकार के आदेश के बाद आज प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। तीसरी से लेकर पांचवी तक के बच्चे अब स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे। बच्चे स्कूल में 10 बजे से 1:30 बजे तक पढ़ाई करेंगे। पहले दिन स्कूल खुले तो काफी बच्चे स्कूल में देखने को मिले। सभी बच्चों को हिदायत दी गई है कि वो पानी अपना साथ लेकर आएं, खाना स्कूल में ना लाएं, वहीं ज्यादा एक दूसरे से घुले मिले नहीं। वहीं स्कूल प्रबंधन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखा। मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ टीचर बच्चों के तापमान को भी चेक करते नजर आए। वहीं टीचर्स भी उत्साहित हैं कि बच्चे स्कूल पहुंचे हैं और उन्हें पढ़ाया जाएगा। लंबे समय के बाद टीचर और बच्चों का फिर से वो शिक्षा प्रेम देखने को मिलेगा। हालांकि कोरोना की वजह से 1 साल से स्कूल बंद थे, बच्चों के साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स को भी इंतजार था कि स्कूल शुरू हो। आज स्कूल खुल गए हैं। वहीं अगर किसी बच्चे को खांसी बुखार जुकाम होगा तो उसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बहरहाल बच्चों के भविष्य को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया है। तो बच्चे वैसे काफी उत्साहित हैं और बच्चे स्कूल में आए हैं और हमने बच्चों को निर्देश दिए हैं कि भैया सब अपना पानी की बोतल साथ लेके आए, कोई खाना नहीं लेके आएगा, घर से खाना खा के आए और स्कूल में कोई एक दूसरे को ज़्यादा छुएगा नहीं, ना ही खेलेंगे, क्योंकि सीधा इनको क्लास में बिठा दिया जाएगा और उसके बाद छुट्टी होगी, जैसे बच्चे घर चले जाएंगे। और पेरेंट्स की सहमति ले ली गई है, सभी को हमने ग्रुप में जो हमने सब हर क्लास का ग्रुप बनाया हुआ था हमने उसमें डाल दिया था ताकि पेरेंट्स अपनी सहमति से ही स्कूल में भेजें और जिस बच्चे को बुखार है या खांसी है वो बच्चा स्कूल में ना आए। किस किस तरह की तैयारियां आपने की हैं? हमने सर स्कूल में साफ सफाई की है, सभी कमरों में हमने सैनिटाइज करवा दिया है, सारे बेंचेज को, सारे जो दरवाजे खिड़कियों को सैनिटाइज करवा दिया गया है और हमने मास्क जो उपलब्ध हमारे पास है हमने सभी बच्चों का टेम्परेचर चेक किया है और हर बच्चे के हाथ हमने सैनिटाइज करवाए हैं और सब बच्चों को हिदायत दी है कि घर से सब बच्चे साबुन से अच्छे से हाथ धो के आएँ और यहाँ पर बेकर कोई बच्चा खेलेगा नहीं, अपनी ही बोतल से पानी पिएगा, कोई एक दूसरे के बोतल से पानी नहीं पिएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता आर्य है। मास्क और सैनिटाइजर देके भेजना, बच्चे अपना पर्सनल पानी की बोतल लेके आएंगे, खाना घर से खा के आएंगे, यहाँ इनको मतलब खाना वगैरह नहीं मिलेगा बच्चों को। जी, पेरेंट्स के हमने साइन करवा लिए सर फार्म भर के। तो बच्चे आ रहे हैं मैम? यस सर आ रहे हैं बच्चे। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे लंबे टाइम के बाद? जी हाँ जी, पूरे साल के बाद बच्चे आए, हम भी बहुत खुश हुए हैं बच्चों को देख कर। तो एक ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।